कहाँ से आए खाने के लिए? बादराबाद से शाह फैसल कॉलोनी। यार बादराबाद में तो बहुत अच्छा, हर दूसरे दिन आते हैं रमजान में। ऐसा क्या जादू है बिरयानी के अंदर? भाई नहीं है कराची में सच्ची बिरयानी, इससे अच्छी बिरयानी नहीं है। इतनी बड़ी बात खाने वाला बोल रहा है। हफी में बिरयानी। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या माल पानी निकला भाई। ये तो भाई फुल मसाले, मजा आने वाला भाई। बहुत निकाल दिया हमने ये, लेकिन ये देखें यार, कसम खुदा की खुशबू आई, दिल खुश हो गया यार। प्रॉपर मसाले, खुशबू, जायका, हर चीज़ बैलेंस। पुलाव आपने बहुत खाए होंगे, मगर ऐसा वाइट बिरयानी पुलाव दिल खुश हो गया यार। मटन पुलाव बिरयानी है, अब ये बीफ बिरयानी ऐसी है कि आपका पेट भरेगा, नीयत नहीं भरेगी। वो बहुत से लोग सही कह रहे थे यार, कल खा के दोबारा आ गए, इसकी क्रेविंग्स होगी, ये ऐसी चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? तो भाई किसी भी वक्त कराची वालों को बिरयानी खिलाओ। और आज हमें भी क्रेविंग्स हो रही थी, और वो हो रही थी मटका बिरयानी की, वो भी मटन के अंदर। तो हम आ गए हैं भाई शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 रेड ओवन के ऊपर। न्यू रेड ओवन है, और इनकी सुना है कि भाई मटका बिरयानी ओह वो होती है जायकेदार। तो हमने सोचा क्यों ना खाकर आपको बताया गया, क्योंकि मैंने इससे पहले खाई दी, बहुत से लोग रिकमेंड करते रहे हैं और करते हैं। तो आज हम पहुंच गए और खाकर अपना रिव्यू देंगे। हमने मटन लगवाई, आज दिल चाह रहा मटन बिरयानी खाने का। तो भाई ये तकरीबन सारे मटके वाले हैं, ये 8-8 6 का ग्रुप आया हुआ है, और सब ये वेट कर रहे हैं भाई अपनी अपनी बारी का। तो भाई ये देखिए, ये टेक अवे पार्सल के लिए जा रहे हैं ऐसे। माशाल्लाह ये सारे पूरे कराची से इनको ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो भाई ये देखें, ये भाई लोग सारे इंतजार कर रहे हैं। दो दोस्त कहाँ से आए आप लोग? हम खोखराबाड़ से, और ये मटका बिरयानी खाने के लिए आए हैं जी। तो ऐसा क्या जादू है खोखराबाड़ से आप यहाँ पर आए हो भाई? बस टेस्ट अच्छा है, जायका मज़ेदार है जी, जायका बहुत बेहतरीन है यहाँ का। अच्छा, कल भी आए थे, आज कल भी आए और आज भी आए। अरे वाह, दिल्ली भर रहा माशाल्लाह। आज शॉपिंग के लिए निकले थे तो यहाँ पे बहाना चाहिए बिरयानी खाने का, कराची वालों को बहाना चाहिए बिरयानी खाने का। अरे माशाल्लाह, मतलब प्लेटों में कौन चाहे हैं भाई। तो कहाँ से आए, यही के रिहायशी है या कहीं और से आए? अब बफर जोन से खाने के लिए आए। एक्सपेक्टेशन कैसी थी, मज़ा आया? मज़ा बहुत आया, मज़ा वाकई आया, मतलब पैसे वसूल हो गए। निशान भाई की मेहरबानी, इन्होंने जगह दिखाई। अच्छा, निशान भाई ये लेकर आए भाई, तो मतलब अच्छा ही भी आ गए हुए हैं। अच्छा है, फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो भाई ये देखें भाई, ये ज़्यादातर 5-6 लोग दोस्त आते रहते हैं। तो जायका कैसा लगा दोस्त, कहाँ से आए? गुलजार जी से आए आप लोग? गुलजार जी से आए हो? जी जी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, तो कैसा लगा जाएगा? बेहतरीन। तकरीबन हफ्ते में जो है 5 से 6 दिन यहाँ पर, पूरा हफ्ता यहीं पर गुजारते हैं। पूरा हफ्ता लाजमी। कभी रात को 2 बजे भी आते हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि सदर से भी यहाँ पर दोपहर से बिरयानी मंगवा के लेकर। तो भाई जिनका ये सेटअप है और जो मटका बिरयानी जिनकी वजह से मशहूर है, उनसे ज़रा मिलवाए ना, उस शख्सियत से। तो ये देखें खड़े रहते हैं यहाँ पर ये, और चेक करते रहते हैं, क्योंकि छोड़ा नहीं है कारीगर के ऊपर, खुद तो आता है और खड़े भी रहते हैं माशाल्लाह। तो फैसल भाई 1 मिनट दे दें हमें बस, अगर दे सके तो। देखें मसरूफ आदमी है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। आप सुनाएं। तो ये बताएं कि माशाल्लाह मटका बिरयानी में हमने भाई, कोई बफर जोन से आया हुआ है, कोई रंगी से, कोई स्कीम 33 से, कोई लांडी से, कोई मलीर से, वो बादराबाद से लड़के आए हुए थे, मतलब माशाल्लाह क्या डाल रहे हैं। कोई अफीम डालते हैं क्या यार? बस आप मोहब्बत है, दिल से बनाते हैं, मोहब्बत है, माँ बाप की दुआ है, और मसाले प्रॉपर तरीके से। बस हम अपनी कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक उसमें खुद बरकत अता फरमा देता है। मुझसे बेहतर फैसला आप करेंगे। आप तो तमाम कराची की बिरयानी चेक करते रहते हैं, खाते रहते हैं। आपने बहुत जगहों के मटके सुने, हर आदमी अपने आप को पायनियर कहता है, जबकि कराची में मटका निकाला है मैंने। प्रोफेसर भाई 1 मटका हमारा लगा दीजिएगा, दूसरा हमारा आपके लिए दिल कर रहा है मटन खाने को। आपके लिए मैंने 1 बीफ मसाले वाला लगवा देता हूँ। हाँ। और जब आप कह रहे हैं मटन, तो फिर मटन में आप वाइट खाएं। हाँ, आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा। हाँ, नहीं ये बड़ा, लेकिन बीफ तो आप सब जगह खाते रहते हैं, आज कुछ डिफरेंट ट्राई करें तो फिर डिफरेंट रिजल्ट निकलेगा। फैसला आपके हाथों में, फैसला आप करेंगे। तो ये किस जगह पर है? ये शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 में रेड ओवन रेस्टोरेंट के नाम से है। और टाइमिंग क्या होती है? रमज़ान के बाद की टाइमिंग जो है दोपहर 12 बजे से लेकर रात 3 बजे तक है, और रमज़ान में शाम 5 बजे से लेके रात 3 बजे तक शेयरी कर सकते हैं, शेयरी कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा लगा के बताएं और माशाल्लाह भाई तारीफ सुनी, इंशाल्लाह मुझे यकीन है आपकी शख्सियत को देखे ना ऐसा खड़े हुए ना आप बैठे, आप परेशान हो गए इधर से उधर घूम रहे हैं आप। अभी हम थैंक यू सो मच। ये आपका कोरमा तैयार हो, ये हमारा कोरमा तैयार है माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। अब हम इसमें थोड़े थोड़े ऊपर के मसाले ऐड करेंगे, मसाले आ गए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऐड करेंगे हम थोड़े थोड़े मसाले सही। ये अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे। ये सारे बीफ चिकन दोनों है, ये सारे बीफ के लगे हैं। बिरयानी के अंदर जो है बासमती की एक अपनी क्वालिटी होती है, बासमती का रिजल्ट अपना होता है। बिरयानी बासमती की, बिरयानी जो बिरयानी खाने वाले हैं वो बासमती के अलावा मेरे ख्याल से तो बिरयानी पसंद नहीं करते। अब ये देखें ये प्रोसीजर हो गया, अब ये दम पे चले, ये दम पे चला जाएगा। चले जी, ये ऊपर से दम दे रहे हैं, ऊपर से पूरी हीट मिले भाई। ये देखें ज़बरदस्त, वाह भाई वाह माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो भाई मटके लगे हुए और इनमें से एक मटका हमारा भी दम पे दे दिया और यहाँ पर ऐसी तपिश से मज़ा आ रहा है। थोड़ी सी हल्का सी सर्दी भी हल्का आजकल, मगर जो खुशबू आ रही है ना ऐसी भूख बढ़ा रही है। तो शहरी का भी वक्त करीब है और शहरी में खाएंगे मटका बिरयानी और मज़े करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इनकी मटका बिरयानी, हम जो मटन मटका बिरयानी खाना है वो कैसी है। तो भाई ये हमारे मटके आ गए भाई। तो ये फैसल भाई ने कहा, फैसल भाई हमारी तो क्रेविंग थोड़ी थी मटन की, लेकिन फैसल भाई ने कहा मटन तो खाओ लेकिन बीफ भी खाओ। ओए होए होए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या क्या माल पानी निकला भाई ये माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह भाई वाह, ये बीफ है भाई, ये मटन था और ये बीफ है। ये तो भाई फुल मसाले मजा आने वाला भाई। ओए माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। तो सिकंदर भाई भूख बढ़ गई है हाँ, सिकंदर भाई से रहा नहीं जा रहा तो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं करता हूँ, सिकंदर भाई बताएंगे उसके बाद। सिकंदर भाई मैं मटन से शुरुआत करनी है मैंने। तो भाई फैसल भाई जो खुद बनाते हैं माशाल्लाह से ऑनर भी हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं, और उन्होंने कहा भाई आपने कुछ 19-20 नहीं करना, आपने सच बोलना भाई। हम सच बोलते हैं हाँ हाँ, नहीं नहीं हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं लोगों ने जो तारीफ़ की है ना, अभी एक बंदा बफर जोन से आया हुआ था, बहादुराबाद से लड़के आए हुए थे माशाल्लाह हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई बोनलेस गोश्त मटन है यार अभी तो, ये देखें ये ओए हाय हाय माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आप निकाल के थे भाई, ये हम थोड़ा शर्मा रहे हैं, ज़्यादा नहीं निकालिएगा, बहुत ज़्यादा ना मतलब बहुत निकाल दिया आपने ये। लेकिन ये देखें यार कसम खुदा की खुशबू आई, दिल खुश हो गया यार, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। और हाथ से खाएंगे और ये ज़रा हरी मिर्ची जो आती है ना जिसके अंदर, मुझे ऐसी मोहब्बत हो जाती है उस बिरयानी से, पता नहीं क्यों क्या बात है। तो ये पुलाव है वाइट वाइट बिरयानी, चावल खिला खिला सा है ये देखें, और खुशबू है, बासमती चावल है। तो शुरुआत करें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्लास क्लास है आप, दिल खुश हुआ। मतलब आप कुछ चीज़ें ना बताती हैं जैसे आपके तासुरात बता देते हैं, और मेरे चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा लगाया, मुझे बहुत मज़ा आया है। प्रॉपर मसाले, खुशबू, जायका, हर चीज़ बैलेंस। पुलाव आपने बहुत खाए होंगे मगर ऐसा वाइट बिरयानी पुलाव दिल खुश हो गया यार। स्पाइसी नहीं है क्योंकि पुलाव है, मगर जो जायका है ना इसके अंदर वो बहुत अच्छा है। जो रूटीन के आपको पुलाव मिल रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे पुलाव की बात कर रहा हूँ मैं। यार मटन तो मटन है ना यार, और मटन के साथ जो कॉम्बिनेशन बना है जालिम, इन चावलों का दिल खुश हो गया भाई। ये अरे नली है भाई, ये देखिए भाई ये मटन की नली है और ये बहुत गर्म हो रहा है। तो भाई ये तो नली तो खाएंगे ना यार, ये भाई नली नली निकल, ये नली निकल गई देखें भाई, ये रहा हाय 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 नली का तरह शॉर्ट बनाना यूँ करके। तो ये माशाल्लाह फुल मटका है, ये 2800 रुपये का है क्योंकि मटन के अंदर है, और 4 से 5 बंदे मज़े से खाएंगे। अच्छी खुराक वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी जैसे कराची के लोगों की खुराक है तो 5-6 हज़ार से खा ही लेंगे इसके अंदर। तो आप चलते हैं भाई बीफ के अंदर ना। हाँ फैसल भाई को हमने फिर से मदद, फैसल भाई आपकी मोहब्बत। पहले तो गोश्त दिखाओ यार, ये कहते हैं ना बच्चे का गोश्त, ये देखें भाई, ये आपको नज़र आता है, ये देखें गोश्त देखें यार क्लियर। तो भाई बहुत अच्छा तो गोश्त गला हुआ है, प्रॉपर तरीके से गला हुआ है, यानी अगर आप बच्चा खाए या कोई बुजुर्ग खाए तो आराम से चबा सकता है। ये ऐसा गोश्त है यार, मैं हूँ तो गोश्त कौन वैसे। अब आ जाए ज़रा भाई बिरयानी पे, तो ये भी बासमती के अंदर होता है और ये जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले बहुत अच्छे हैं। और ये याद रखिएगा ये चटपटा है, अगर आपने बोलोगे इनको कि कम स्पाइसी करें तो कम स्पाइसी करेंगे, मतलब जो रूटीन है इनकी स्पाइसी वाली तीखी कराची की जो स्पाइसी बिरयानी होती है ना, ये वैसा ही है, बिल्कुल चिकना है। और दूसरा प्रॉपर तरीके से चावल गला हुआ, घुटा हुआ नहीं है। देखिए एक एक चावल आपको खिला खिला नज़र आएगा। तो चावल की सबसे बड़ी बात कि बासमती चावल को संभालना कोई आसान काम नहीं है भाई, ये जो कारीगर है ना जिनको हुनर है वही कर सकते हैं। और हरे मसाले आपको प्रॉपर नज़र आ रहे हैं, चटपटा सा जो कराची की शादी की बिरयानी, जैसे हम कहते हैं ना यार कि शादी में गए मज़ा आ गया बिरयानी खा के, ये वैसे शादी की बिरयानी बनी हुई है और इसी मिलती नहीं है। तो ये आबी स्टाइल की बिरयानी होती है ना, यूज स्टाइल की है, लेकिन है बहुत मज़े की। और चिकना गोश्त है और गोश्त के रेशे आपको नज़र आ रहे हैं भाई, यार जितनी बार खाना कम हो रहा है। तो भाई ये देखिए अच्छा खासा हमारा ख़त्म होने वाली है मेरी, लेकिन रायते की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक। ये बिरयानी पुलाव की जीत होती है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, ना रायते की ना सलाद की। देखिए सलाद भी वैसे ही पड़ा हुआ है। फैसल भाई ने कहा जरा देगी साल की बिरयानी खाएँ और आपको देगी साल की बिरयानी दिखाते हैं, तो वो भी ज़रा ट्राई करते हैं भाई। तो भाई ये है देगी स्टाइल की बिरयानी ना। अच्छा ये बोदादा निकाल ली इन्होंने, लेकिन इसको मैं हाथ से नहीं खा रहा क्योंकि ये गाय ना हो जाए कहीं। तो भाई ये है तो प्रॉपर तरीके से यार, ये भी माशाल्लाह गोश्त वगैरह अच्छा दिख रहा है, चावल खिला खिला सा है। ये सेला चावल के अंदर है वैसे, देखिए फ़र्क देखिए दोनों के अंदर ना, सेला चावल और बासमती चावल के अंदर फ़र्क महसूस हो जाएगा अगर आप खाते रहते हो तो आपको आइडिया होगा। तो ये आए ज़रा करीब आए, गर्मा गर्म अभी देख खुली है और ये देखें खुलती रहती है, पतीले आते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो फैसल भाई ने कहा हमारी ज़रा वो देगी स्टाइल वाली भी चेक करें, पतीले वाली। यार अच्छी है, जायकेदार है, लेकिन पता क्या अगर आप इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं ना मटका से, तो मटका बहुत ऊंची है, लेकिन अगर आप दूसरी जगह से कंपैरिजन कर रहे हैं जो पतीलों में बिक रही है तो ये बेहतर लगी है मुझे। बाकी स्पाइसेस अच्छे लग रहे हैं, खाने में मज़ा आया मुझे। मटन पुलाव बिरयानी है, अब ये बीफ बिरयानी ऐसी है कि आपका पेट भरेगा नीयत नहीं भरेगी। वो बहुत से लोग सही कह रहे थे यार, कल खा के दोबारा आ गए, इसकी क्रेविंग्स होगी, ये ऐसी चीज़ है। तो अब भाई अब चलते सिकंदर भाई के पास, सिकंदर भाई से पूछते हैं। यार बहुत माशाल्लाह जूसी, गोश्त बहुत टेंडर है और बिरयानी बहुत आउट क्लास है। आउट क्लास है मतलब आपने बीफ खाई है? बीफ खाई है, बहुत जूसी है, सबसे बड़ा जूसी है। मतलब बहुत अक्सर जगह पर ड्राई ड्राई होती है, ड्राई होती है, बोटी भी ड्राई होती है, तो बोटी भी इसकी जूसी है काफ़ी। हाईली रिकमेंड है, आपने यहाँ पर आना है, खाना है। एक तो एनवायरनमेंट अच्छा है, एम्बियास अच्छा है, फैमिली के लिए बैठ सकते हैं, बैठने का इंतजाम अच्छा है, लड़कों का तो दाम है ही अच्छा, लेकिन फैमिली के लिए भी एक प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा भाई। बिरयानी बहुत सारी खाई, लेकिन यहाँ की जो न्यू रेड ओवन की मटका बिरयानी है उधम है, जायकेदार है, शानदार है, मज़ा आ गया। और वाकई मैं हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आपने आकर इनकी मटन भी चखनी है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे लेकिन एक आध बार तो खा सकते हो, मगर बीफ भी कोई कम नहीं है इनकी भाई। तो इसकी लोकेशन, इसकी पिन लोकेशन डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, लेकिन फिर समझा देता हूँ। अगर आप शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज चढ़ते हैं और आप उतरते हैं तो आप शाह फैसल कॉलोनी नंबर 3 फौजी फाउंडेशन से जो सीधा रास्ता जा रहा है नूर मस्जिद, नूर मस्जिद से पहली गली पड़ेगी, उसमें उल्टे हाथ में आपको सेटअप नज़र आएगा बड़ा सा गुस्ते के साथ ही, और आपको नज़र आएंगे मटके लगे हुए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।